सेट करो सेट करो। कभी का हमने भर्तियां करा लिया थे तो यही हरकत करना। साइलेंट सब आगे गतन गया। ब्लर मार रहा है, गणपति बाप्पा ब्लर मार रहा है। मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या। अरे ब्लर मार ऐसे हो। हां हां मार तो दे। ऑटो पे मत खींच रहे, बोलो ना भाई मत खींच जाओ। ऑटो पे सीधा मैंने वो सुन लिया। देखो जी वो मैंने दो मिनट दो ना अरे ओटी जी तो ऐसे डाल के रख चार को तेरे को कोड करेंगे कैमरा जी चांगना बस होते थे। भाई गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति वाह वाह भाई। मैं खड़ा रहूंगा ये भी ध्यान देना, मैं बैठा हूँ ना। जो बोल रहा है नहीं बोल रहा हूँ, चिल्ला हुए बोले भी कहाँ जा गए। अरे मैं देख लिया इसलिए तो यही खिला रहा हूँ। सारे डाल दिए उसने, आगे डाल दिए बिना एक डाल। हेलो भाई श्याम भाई क्या है आगे मत जाओ। देखो अरे आ रहे हैं भाई, अरे अभी तक आए नहीं यार, रिकॉर्डिंग कर दी हम लोग। मैं आगे जा रहा हूँ। कौशल भाई बाजू ऑटो। कौशल सर कौशल सर सर भाई भाऊ 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 एक नंबर भाऊ भाऊ गणपति बप्पा मौर्या भाऊ फोटो घे। अरे पीछे आओ सब लोग पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ भाऊ इकड़े भाऊ भाऊ समोर भाऊ गणपति बाप्पा मौर्या क्लास के आपके परिवार को गणपति बाप्पा। हाँ एक नंबर भाऊ भाऊ थोड़ा पीछे हो गए यार, लाइट निकाल दो। गाइस और थोड़ा मेरे मोबाइल में बहुत जगह है पीछे। वेट 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 थोड़ा सा। अरे यार घुमा दिया यार भाऊ, थोड़ा इस साइड भी आ जाओ। हाँ बहुत जगह है आज। किसी एक्टर को सर्दी खांसी नहीं होगी क्या? भाव आए ना इसलिए तुम लोग उधर जाते ना फटक कर से सर्दी हो गया ये हो गया। आज किसी को हो गया ना लगता है बड़े सेलिब्रिटी को, इसलिए आज तुम लोग इधर दिख रहे सबके सब। जब भाव के लिए आए इधर भाई इधर एक दर्शन करते हुए फोटो कर लेंगे। हां हां दर्शन करते पीछे नीचे थोड़ा मोबाइल
बाओ बाओ बाओ, एक एक फोटो कौशल जी थोड़ा पीछे यार, या, या, बापा के केवर भाई बाओ बाओ, सामने सामने क्या बात, थैंक यू, ओके इधर आ जाइए, इधर आप लोग पता एकदम आगे आ जा रहे हैं, जगह महाराज को लक्ष्य ना मिला नहीं लगता यही चलेगा भाव भाव एकदम Bye.
Thank you. 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 Thank
सबसे पहले तो पूनम जी को शुक्रिया अदा किया हमारे मुंबई से सेट पे आप माथा टेकने के लिए आए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। नहीं नहीं, और पूनम जी को तो शायद कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं। पर आज पूनम जी को मैं पूछना चाहूंगा कि आपको यहाँ आके कैसा लगा? मुझे आपके बापा से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आपने जो इतना खूबसूरत से फाउंडेशन यू नो मुंबई चा सेठ, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आई मीन आई थिंक हम सभी को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। यू नो हमारे घर पे जितने लोग काम करने आते हैं, हमारे ड्राइवर, हमारे वॉचमैन, इतने सारे लोग हैं, तो आई थिंक आप ये जो कर रहे हैं उनकी मदद। आपको जैसे पता है कि बापा का मान आपका सम्मान, जो हमने एक ट्रेडिशन चालू किया है कि हर अपने बॉलीवुड के हर इन्फ्लुएंसर इस कंसेप्ट को आगे लेके जा रहे हैं, बापा का मान आपका सम्मान। तो आप भी की पब्लिक को क्या अपील करना चाहोगे कंसेप्ट में? आपको पता है जैसे कि जो भी अच्छा काम करते हैं वो ऐसा नहीं है कि सारे फ्रंटलाइनर ही हो सकते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि आपके घर पे कोई काम करने आता है या कोई वॉचमैन है या कोई आपके आजू बाजू कोई ओल्ड एज है जिसको आप उनके लिए कुछ करते हो, ऐसे जो भी अच्छा काम करते हैं उसको बापा का मान आपका सम्मान, उसको हमें हम ऐसा बोलते हैं कि उनका हम सम्मान करते हैं। तो आप भी आपकी पब्लिक का आपके व्यूअर्स को क्या बोलना चाहोगे? आपसे बात करके एक चीज याद आई, मैं थोड़ी दिन पहले इंटरनेट पे कुछ देख रही थी और हम जिन्हें कचरा वाला बोलते हैं, कचरे वाले वो नहीं, कचरे वाले हम हैं, वो तो साफ करने वाले हैं। तो वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, यू नो, जो हमारे मुंबई का, हमारे रास्तों का, हमारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हमारे ड्राइवर जो हमको सही टाइम पर सही जगह पर पहुंचाते हैं, यू नो, हमारे वॉचमैन जो हमारी ख्याल रखते हैं कि हमारे घर पे चोरी चकारी ना हो, तो उनसे बड़ा कौन है? हम तो बस उनकी उनको इतना आपने जैसा बोला कि आपने उनका सम्मान किया, बस यही चीज़ मुझे चाहिए कि हर इंसान हिंदुस्तान की पब्लिक को आप अपील करोगे, आप भी आपके आजू बाजू जो भी काम करते हैं उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए मेरे आसपास के जितने लोग हैं, जितने लोगों को मैं जानती हूँ, वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं जिनको नहीं जानती, और हाँ ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हम पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो यस मैं दिल से रिक्वेस्ट करूँगी, यू नो छोटा बड़ा मत समझिए, आपका कोई घर का ख्याल रख रहा है तो उनका ख्याल रखिए, उसे भी हमारी जिम्मेदारी समझिए। फ्रॉम लास्ट दो साल से हम देख रहे हैं जिस तरीके से सिचुएशन सभी चल रहे थे, लेकिन ये साल जिस तरीके से धूम धड़ाका और बापा ने सभी विघ्न दूर कर दिया, सो क्या कुछ कहना चाहोगे इस साल का सभी सेलिब्रेशन? बापा ने तो मतलब जैसे कोविड को हटा ही दिया एकदम से, वापस एकदम रौनक, सब लोग इतने खुश हैं, यू नो काम कर रहे हैं, वापस घर से बाहर जा रहे हैं, यू नो रिक्शे वाले लोग जिनके पास दो पैसा नहीं होता, जो एवरी डे जो कमाते हैं लोग, उनकी क्या हालत है? हम लोग तो एक महीने सैलरी वाले जो भी हम पर डे वाले, उन लोग जो रिक्शा चलाते हैं, वो लोग बेचारे कितना सफ़र कर रहे थे। हाँ तो एटलीस्ट कोविड के बाद ये जो भी सिचुएशन निकली, एटलीस्ट आई एम हैप्पी यू नो दैट द यूनिवर्स इज टेकन केयर ऑफ दोज पीपल, बिकॉज हम लोग घर पे बैठ के अपना जितना टीवी चैनल बदलना है बदलो, उनके घर की तकलीफ हमको नहीं पता है, उनके चार बच्चे, उनके दो बच्चे, हमको नहीं पता वो लोग क्या देख रहे हैं लाइफ में, है ना। एज वेल एज पूनम, हर साल हम देखते हैं गणपति में जो निवेद होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, क्या कुछ आपने इस साल प्रिपेयर किया है और क्या कुछ आप उसमें? मेरे मामा के घर पे मैंने गणपति रखना चालू किया था, डेढ़ दिन की गणपति थी, कल ही विसर्जन करके आई हूँ, और मॉम ने डिसाइड किया अभी 5 दिन का रखेंगे। सब हैप्पी। जिस तरीके से आपने बताया डेढ़ दिन की गणपति थी, लेकिन इस बार आपने सोचा कि 5 दिन जब पापा जाते हैं तो कितना मिस करते हैं, स्पेशली वो प्लेस कल जब पापा हमने विसर्जन किया, वापस घर पे आने के बाद जब आरती होती है ना, तो ऐसा लग रहा था घर कितना सूना हो गया, सब खाली लग रहा था, यू नो, तो बापा जाते तो एक वो एनर्जी चली जाती है, और वो आते तो एक ऐसा लगता है यार बापा आ रहे, वापस आ रहे, यू नो लाइक दैट एक्साइटमेंट। और मैं मुंबई की पली बड़ी हूँ ना, तो बचपन से हम लोग सुख करता दुख करता हम आरती गा के बड़े हुए, तो अच्छा लगता है। वेल हमेशा आपको अलग अलग अटायर में देखा है, बट व्हाट अबाउट टुडेज अटायर, व्हाट यू लाइक टू से? टुडेज अटायर, आई मीन lately I have been enjoying wearing sarees and I'm loving it. I didn't see my Indian costume is like the best thing on the planet. It just looks so beautiful, you know, that you want to wear it. So main badi khush hu with saree. Is saal papa se kya kuch wishes mangunga? Kal maine manga unke kaan mein kahi tha. Haan, bola nahi jata aisa. I hope pura ho jaye. Please papa. गणपति बापा, गणपति बापा। मेरा सौभाग्य है कि हर
हर बापा के इधर मेरे को बुला के मेरे को दर्शन मिलता है ना, वो मेरा सौभाग्य है, समझा। तो केयूर भाई तो अपना क्या फैमिली है, जो मैं नए नए करके कुछ पाँच छः साल हो गया मुझे, मैं आते रहता हूँ यहाँ पे दर्शन के लिए। तो बस बापा का ब्लेसिंग चाहिए मुझे, आप सबको ऊपर वाला खुश रखे, यही बोलूँगा ना, और क्या। देखो जैसे भाव ने बताया कि ऑब्वियसली मेरे लिए भाव का जो आइडियल है, भाव की जो थॉट्स है, आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, मेरे ख्याल से पूरा वर्ल्ड प्राउड करता है कि एक इंसान, आप सब जानते हो कि आज पूरे हिंदुस्तान की 100 करोड़ की जनता में कोई भाव जैसा एक आदमी दिखा दो, जो भी उनका। मैं हमेशा भाव, लास्ट शायद 3 साल पहले भी भाव ने गणपति में बोला था कि उनके ऊपर क्या 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 नहीं होता, कितने लोगों की क्या क्या नहीं आती है, पर ऐसा इंसान कभी नहीं मिलता। तो मेरे को तो एक आइडल मान लिया कि ऐसी थॉट के साथ जीना। एक हिंदुस्तानी भाऊ आज जो एक ब्रांड है या एक जो चीज़ है, वो सिर्फ शायद बबलू भाई ने अकेले ने किया ये। तो मैं इस चीज़ के लिए आया, और एक्चुअली भाऊ हर साल, हम शायद हर साल भाऊ हमारे दर्शन बापा के इधर माथा टेकने आते हैं, वो हमारे के लिए, हमारे लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है भाऊ कि हर साल आते हो आप। थैंक यू। होने दो ना खर्चा, हाँ देने वाला भी वही है ना। अभी गए 3 साल जो कोरोना के वजह से जो तकलीफ थी, जहाँ पे हमारे मंदिर तक नहीं खुले थे, सब चीज़ बंद थी, तो आज वो आया है तो उसको भी खर्चा करना चाहिए ना, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, कमाते किसके लिए, हाँ। और हमारा ये धर्म है जो हमारे माँ बाप को, बच्चों को कैसा माँ बाप छोटा से बड़ा बहुत खर्चा करके ये करके वो करके बड़ा करते हैं, तो वो भी तो हमारे माँ बाप है ना, उनके ऊपर खर्चा करने को डरने का क्या, फिर उन्हें दो ना खर्चा, देखा जाएगा। वैसे भाव भाव आने वाले विसर्जन में कोशिश करूंगा। हर साल हम विसर्जन जिस तरह से करते हैं, हमारा एक थॉट होता है कि पूरे हिंदुस्तान से हम लोगों को बुलाते हैं, जैसे ट्राइबल्स होते हैं, कई साउथ से बुलाते हैं, कई पंजाब से बुलाते हैं, गुजरात से बुलाते हैं, पुणे नासिक हर जगह से, टोटल कम से कम 1200 से 1500 अलग अलग ढोल वाले, अलग अलग आर्टिस्ट है इस विसर्जन में भी। और भाव ने तो एक विसर्जन में हमारे साथ आए भी थे, तो वो एक अलग ही फील होती है। भाव आपसे जानना चाहेंगे कि हमेशा से गणपति बापा को बोलते सभी विघ्न वो दूर करते हैं, इस साल आपने क्या कुछ मांगा बापा से? मैंने यही मांगा कि बॉलीवुड वालों को ना शुद्ध बुद्धि दे, अच्छा सोच दे, ये मांगा। और जो आज लोग तकलीफ में है ना, उनकी तकलीफ है, बापा जैसे आए ना वैसा लेके जावे, यही मांगा ऊपर वाले से। सर आपने सद्बुद्धि की बात की, सद्बुद्धि लाइक ज्ञान तो सभी को देते हैं भगवान, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड वाले आपने क्यों जिक्र किया? बॉलीवुड वाले इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं जाना चाहते मेरे पिक्चर देखने तो मत जाइए, तो लोगों ने बताया ना मत जाइए, तो क्या होता है, कर्मा ना लौट के आता है, समझा। तो घमंड नहीं करने का, कर्मा लौट के आता है। और कहीं ना कहीं अभी ना सुशांत सिंह राजपूत तांडव कर रहा है, ये समझ में आ रहा है अभी बॉलीवुड को, उनके औकात दिखा दिया सुशांत सिंह राजपूत ने। तो किसी को कभी कमज़ोर मत समझो, कभी किसी का टाइम बदल जाए ना मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए किसी को कमज़ोर मत समझो। मुझे भी कमज़ोर समझने की बहुत कोशिश की, आज उनका बाप है मैं, जिसने कमज़ोर समझने की कोशिश की हो, समझना ऐसा है। भाव पहले लेकिन आप बहुत आउटस्पोकन थे, बीच में थोड़ा सा आप रिजर्व्ड हो गए चीज़ों को लेकर, कि आप सोच समझ के चीज़ों को। नहीं मैं बताता हूँ, मैं सोचता नहीं कुछ करने से पहला, मैं किसके बाप का खाता नहीं, ना किसी के बाप से डरता है। आज मैंने उनको बोलना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर थे उन्होंने मेरे देश के खिलाफ बोलना छोड़ दिया, मेरा तिरंगा जलाना छोड़ दिया, मेरे लोगों को बोलना छोड़ दिया। जब उन लोग ने मेरे देश के खिलाफ ये सब करना छोड़ दिया, तो मैं किसी के माँ बहन को गाली देने के लिए मेरे को नहीं अच्छा लगता है। जो देश में जो कर रहे हैं लोग उसका क्या? उनकी तो बजा रहा हूँ मैं, मगर आप लोग को फुर्सत किधर, आप जाते हो उधर, उधर सर्दी हो गया तो पहुँच जाते हैं, मगर किसी के गरीब के झोपड़े में जाके नहीं पूछते आज घर में तुम्हारे आना चाहिए या नहीं, ये नहीं पूछेंगे तुम लोग। तुम लोग को उधर TRP मिलता है, इधर क्या गरीब के झोपड़े में मिलेगा, कुछ मिलता है नहीं मिलता है। तो तुम लोग भी बोलना सीखो, सच दिखाने का ताकत रखो ना, नहीं दिखा सकते तुम लोग भी क्या करेगा, तुम लोग काम करता है, तुम्हारे ऊपर जो बेटा है ना उसके लात मारो पिछवाड़े में, और बोलो कि हम लोग ने आज जो करके लाया ना ये बताओ ये असलियत है।
अरे बहुत है ऐसे मेरे जैसे हिंदुस्तानी भाऊ आज इंडिया में बहुत है, उनको दिखाओ तो सही, दिखाओ तो सही। आप नहीं दिखाते आज कितने ऐसे एक्टर है, स्ट्रगलर है बेचारे, जो काम करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि हर साल बाहर बाहर से उन लोग बुलाते, उन लोग को दिखाओ, मगर आप लोग नहीं दिखाएंगे ना, आपको कुछ फायदा नहीं मिलता उससे, तो आप लोग क्यों बताएंगे ऐसा है। सोशल मीडिया के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आजकल जो भी लोगों को टैलेंट दिखाना होता है सोशल मीडिया के थ्रू, आजकल बहुत चीजें इजी हो गई है, जैसे कि यूट्यूब एंड ऑल, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सोशल मीडिया बहुत कुछ दिखाता है ना, बहुत कुछ दिखाता है। अभी आपको बताता हूँ, मेरे पास कल अंधेरी के एक माँ आई थी, उसकी बेटी आई थी, उसकी फैमिली आई थी, जिसका अभी सरनेम कुछ राठौड़ क्या कुछ, तो एक बच्ची का अभी नायगांव में बॉडी मिला, उसको मार के पोटले में फेंक दिया। कोई नहीं गया आप लोगों का उधर पूछने के लिए या बताने के लिए कि आपके साथ क्या हो गया? अभी तक वो आरोपी नहीं मिले। मैंने कल बात किया नायगांव पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाले पूरा सपोर्ट कर रहे, पूरा भागम दौड़ कर रहे, वो तो दिखाओ लोगों को क्या हो रहा है। आज साले ये रेप करते बच्चियों के साथ, कल ये छूट के आते, ये बताओ, ऐसा कानून बनाओ कि हमारे माँ बहनें रोड पे नहीं पड़ी है, कि कोई भी साला ऐसा करेगा वो छूट के आता है, वापस किसी ना किसी कोई ना कोई लड़की शिकार होती है, वो भी बताओ ना, आवाज़ उठाओ ना। तुम लोग आज आज तुम्हारे वजह से दुनिया दिखती है ना, तुम लोग काम करो ना, ये आगे बढ़ो ना। आज देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शिव छत्रपति महाराज का आज सिंबल दिया ना, प्राउड फील करो, ये चीज़ बताओ। ऐसा भी प्राइम मिनिस्टर है हमारा आज, जो ये किया, इतना साल में किसी ने किया क्या? ये करने के लिए जिगर चाहिए, तो ऐसे लोगों को आगे करो ना। इन लोग को क्या है, ये भिखारी साले, अभी जो हम लोग के 25-50 रुपए के टिकट निकाल के इन लोग ने आज बंगले बनाया, गाड़ी लेके घूम रहे, उनको लोगों की कदर नहीं, उनके पीछे क्यों जा रहे तुम लोग? नेपाली पिक्चर आ रही है प्रेम की थ्री, उसका वर्ल्ड वाइड रिव्यू, क्या प्रेम की थ्री नेपाली पिक्चर आ रही है, उसका वर्ल्ड वाइड जो रिव्यू बहुत पॉजिटिव आ रहा है, और बॉलीवुड स्ट्रीम कुछ मतलब अपना रिव्यू नेगेटिव। अरे द कश्मीर फाइल्स, जिन्होंने उसमें काम किया, जिन्होंने ये बनाया, उसके खिलाफ हो गया बॉलीवुड, क्योंकि सच बताया, तो सच बताता है तो बॉलीवुड को मिर्ची लगता है ना। ऐसे और कैसे है, लोग भूल जाते हैं, इनको मालूम है ना, लोग भूल जाते हैं। अच्छा आप रियलिटी शो में जब गए थे तो एक अलग ट्रेंड सेट किया था आपने, कि कोई ऐसा आया है कि जो इतना आउटस्पोकन है, बिंदास बोलता है, अब देखेंगे आपको, आप चाहते हैं कि ऐसा किसी टीवी के इसका पार्ट होना, या फिर आप जो कर रहे हैं उसी में देखेंगे ना, टाइम आने के बाद देखेंगे। मैं कभी ना कमिटमेंट नहीं करता, कुछ करता है वो डायरेक्ट हो जाता है, तो कुछ अप्रोच किया गया? कुछ नहीं, मूड नहीं अभी फिलहाल, लोगों के मदद करने के लिए आगे आया हूँ मैं। अभी 6 तारीख को मेरा जन्मदिन था, और एक एम्बुलेंस मैंने डाला गरीबों, ज़रूरतमंदों के लिए मैंने एम्बुलेंस डाला 24 घंटा, वो भी अभी फ्री चल रही है। इसके पहला भी एक है एम्बुलेंस मेरी जो चल रही है, अभी ये भी है, ये भी चलेगी, तो जितना मेरे से होता है मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ निभा रहा हूँ मैं, किसके ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ। क्या पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में जाएगा तो पॉलिटिशियन मेरे को जीने नहीं देंगे, बोलेंगे ये मत बोल, और तुम लोग फिर क्या करेंगे? भाऊ बोलता नहीं अभी, पॉलिटिशियन बन गया, ऐसा होता है। तो मेरे को किसके सर पे, किसी का हाथ पहले भी नहीं चाहिए था, आज भी नहीं चाहिए, अकेला खुश है। भाऊ आपके कोई अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स देखेंगे? कुछ भी नहीं है बस, मैं जो करता है ना वो जरा बताओ ना लोगों को, हाँ करता है वो बताओ ना लोगों को, कोई नहीं बताता आप लोग, वो बताओ ना। मैंने बच्चों के लिए किया, कितने मीडिया वालों ने नेगेटिव बताया मालूम, हाँ कितना मीडिया वालों ने नेगेटिव बताया, ये क्या मेरा स्वार्थ था जो मैं किया था? वो 24 दिन जेल काट के आया, मेरे को फायदा था कुछ? मेरे फैमिली को तकलीफ दिया कुछ तक, मेरे को फायदा था क्या? किसी ने बोला नहीं। अच्छा मैं देखा बहुत ऐसे न्यूज़ चैनल, 2-3 मेरे दिमाग में, जिस दिन मिलेगा ना उनकी भी बजाऊंगा मैं, हाँ कुत्ता बनाऊंगा, नहीं बनाया तो एक बाप क्या औलाद ने, 2-3 मेरे दिमाग में भी है। लास्टली गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति कैसा है
अच्छा कर रहे ना तो मैं भी उनके साथ ही है ना, छोड़ के किधर गया? फिर ट्रैफिक में डेढ़ घंटा मर के क्यों आया इधर? क्योंकि अच्छा काम करते तो उधर में खड़ा रहेगा ना, बुरा काम करने वाले के मैयत में नहीं जाता है मैं, ऐसा है। तो अच्छा काम कर रहे उनके साथ में मैं जिंदगी भर, ठीक है। गॉड ब्लेस।